आपने भारत के कई ऐसे मंदिरों के बारे में सुना होगा जहां महिलाओं या फिर 11 वर्ष से ऊपर की लड़कियों का जाना वर्जित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के केरल प्रांत में एक ऐसा मंदिर है जहां मंदिर में पुरुषों को महिलाओं के वेश में ही प्रवेश करने की अनुमति है, अन्यथा उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सा मंदिर है जहां पुरुषों को महिलाओं के वेश में ही प्रवेश मिलता है और इसके पीछे का कारण क्या है। केरल के कोल्लम जिले में स्थापित कोट्टनकुलांगरा श्रीदेवी में देश के अन्य मंदिरों की अपेक्षा पूजा करने का नियम पुरुषों के लिए बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर किसी भी पुरुष को मंदिर में तभी प्रवेश दिया जाता है जब वो स्त्री की तरह 16 श्रृंगार करके आए। मंदिर में किसी पुरुष को एक या दो श्रृंगार करने से भी प्रवेश नहीं मिलता है, पूरे 16 श्रृंगार करने का सख्त नियम है। मंदिर में पुरुषों के लिए यह नियम वर्षों से चला आ रहा है। मंदिर में प्रत्येक वर्ष एक पर्व का आयोजन किया जाता है। इस दिन हजारों की संख्या में पुरुष 16 श्रृंगार करके मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में मेकअप रूम की भी व्यवस्था की गई है जहां पर पहुंच के पुरुष 16 श्रृंगार कर सकते हैं। कहते हैं कि पुरुष यहाँ पर अच्छी नौकरी और अच्छी पत्नी की मुराद लेकर आते हैं और मंदिर के नियमों के अनुसार पूजा करने से उनकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। यही वजह है कि पुरुष यहाँ भारी संख्या में महिलाओं के वेश में पहुँचते हैं, साथ ही माँ की आराधना करके उनसे मनोवांछित नौकरी और पत्नी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में स्थापित माँ की मूर्ति स्वयंभू है। इसके अलावा यह केरल का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई छत नहीं है। मान्यता है कि सालों पहले कुछ चरवाहे ने मंदिर के स्थान पर ही महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर पत्थर पर फूल चढ़ाए थे। इसके बाद पत्थर से दिव्य शक्ति निकलने लगी। धीरे धीरे आस्था बढ़ती ही चली गई और इस जगह को मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। मंदिर के बारे में एक और कथा प्रचलित है कि हर साल माँ की प्रतिमा कुछ इंच तक बढ़ जाती अगर है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।